चलो बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेजोनेंस। हिंदी में आप सभी लोग जानते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अनुनाद। अब रेजोनेंस हमको किसे पढ़ना है? रेजोनेंस हमेशा एसी सर्किट में होता है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में होता है। रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है बच्चे, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तीनों देख लीजिएगा भैया। रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। क्या है ये? कंडीशन है। रेजोनेंस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन अ सर्किट। सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस कब होता है? आपने आपको मैंने बताया था इससे जस्ट पहले आरएलसी सर्किट पढ़ा था आपने, तो आरएलसी में कौन कौन से पैरामीटर थे? आर था, एल था, सी था। जिस सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ आ जाते हैं, मतलब कम से कम एक सर्किट के अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलता हूँ द सर्किट कैन बी इन द रेजोनेंस व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द वन इंडक्टर एटलीस्ट और द वन कैपेसिटर। जब एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर एक साथ होता है, एक कम से कम एक इंडक्टर कैपेसिटर हो, तो वो सर्किट में रेजोनेंस जरूर होगा। और रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन द सर्किट कंटेनिंग एटलीस्ट वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर व्हेन द सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज एंड द सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है भैया। मैंने बोला है किसी भी सर्किट, सपोज ये सर्किट है, इस सर्किट में मैंने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस दो तरीके का हो सकता है भैया, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। तब ये सर्किट है, सर्किट कौन सा है? सीरीज है, तो यहाँ पर कौन सा रेजोनेंस होगा सर? तीन सीरीज रेजोनेंस होगा। और सीरीज रेजोनेंस के लिए देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब है टू बी इन द स्टेप विद, इसका मतलब समझ लीजिए। इसको बोलते हैं कहीं कहीं टू बी इन द स्टेप विद, टू बी इन द स्टेप विद, ये इसका मतलब समझ लीजिए। ये कहीं कहीं लिखा होता है स्टेप विद, मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा बढ़ा देना, वो आपका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस डिफाइंड एज अ कंडीशन इन द सर्किट व्हेन कंटेनिंग द एटलीस्ट वन इंडक्टर वन कैपेसिटर व्हेन सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट आर इन द फेज सेम फेज एंड द पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी। जब किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, मतलब कॉस वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए इस केस में रेजोनेंस के। और ये कब होता है? रेजोनेंस के केस में 1 होगा कब? जब आपका टोटल एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा? एक्ससी के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है भैया किसकी? किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है आपकी रेजोनेंस की। कैसे होती है? देखिए, पावर फैक्टर 1 कब होगा? मैंने क्या बताया था? जब आर अपॉन आर होगा। लेकिन फॉर्मूला तो भैया आर अपॉन जेड होता है। जेड की जगह आर आएगा कब भैया? जब आएगा, जब जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है जब जेड आर के इक्वल कब होगा? जब टोटल रिएक्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा? जीरो सर ये होगा तब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा। व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ द एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यहाँ मैं पुट करूंगा बेटा, ये पूरा आ जाएगा जीरो। और सिमिलरली जेड का वैल्यू आर के इक्वल आ जाएगा, और आर का मैं यहाँ पुट करूंगा तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा बस ये है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जब भी पावर फैक्टर 1 दिखे तो सर्किट में रेजोनेंस होगा। याद रखिएगा, जब भी पावर फैक्टर बन दिखे आपको समझ लेना है सर्किट के अंदर रेजोनेंस होगा। कब होगा? सर कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैं बोलता हूँ सर कंडीशन ये होनी चाहिए, पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1, एक बार और बोल रहा हूँ, पावर फैक्टर 1 होनी चाहिए। यहाँ से कंडीशन ये बनती है, पावर फैक्टर 1 कब होगा भैया? तब होगा जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा। ध्यान रखना आपको, ये चीज समझ में आ रही है? बहुत क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिएगा, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ एल, और ये क्या होता है? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। बस इसको 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 ध्यान रखना है, 1 अपॉन 2 पाई एफ एल, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्या करना है भैया? एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा सर? ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर एल सी, यही आएगा भैया। देखिएगा ध्यान से, यही आएगा। अब यहाँ से यदि मुझे फ्रिक्वेंसी निकालनी है, अभी ये मेरी फ्रिक्वेंसी कौन सी हो जाएगी सर? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी।
अब एफ आर स्क्वायर ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकालूंगा मैं, 1/2 pi √LC, ये मेरा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो गया। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गया आपका 1/2 pi √LC, तो ओमेगा क्या होगा सर, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC, ये ओमेगा हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है सर, हर्ट्ज में होता है। ओमेगा किस में होता है सर, ये होता है सर रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसके दो चार पॉइंट याद कर रहे हैं। पॉइंट कौन से हैं सर, पहला पॉइंट सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में क्या करेंगे सर, सीरीज रेजोनेंस में XL = XC होगा। सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा सर, XL = XC होगा। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है सर, FR = 1/2 pi √FC होगा। सर इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिएक्टेंस जीरो हो गया है, तो आपका इम्पीडेंस शुड बी मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो क्या होगा सर, सर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम होगा, देखिए Z = क्या होता है, V/I। यदि इम्पीडेंस मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो करंट आपका बढ़ जाएगा, करंट विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि सर्किट जब भी सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में होगा तो आपका इम्पीडेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ते ही आपके करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने से क्या होगा, करंट बढ़ने से सर आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्री का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। यही टारगेट होता है किसी भी सर्किट के, जब रेजोनेंस कंडीशन जब आ जाती है तो वहां पर हमको हाई एफिशिएंसी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इम्पीडेंस बहुत कम हो जाता है और आपको करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने से क्या होगा सर, पावर फैक्टर कम हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, दैट विल बी cos φ = 1। ये क्लियर है मेरे ख्याल से, पूरी तरह क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको ये समझ लेते हैं, आज समझेंगे, आज के बाद कभी नहीं समझेंगे, दिमाग में रख लेंगे, रट लेंगे इसको। देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि मैं समझूं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। तीन कंडीशन है मेरे पास, पहली कंडीशन क्या थी सर, XL = XC, दूसरा कंडीशन क्या थी सर, XL > XC, तीसरी क्या थी सर, XC > XL। तीन कंडीशन में खेलना है रेजोनेंस में। मैंने आपके सामने एक कर्व बना दिया है, कर्व क्या है सर, ये फ्रिक्वेंसी है सर, ये रिएक्टेंस है। फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस में क्या डिफरेंस है भैया, XL का फॉर्मूला F क्या होता है, XL = होता है सर 2 pi FL, मतलब इंडक्टेंस के अक्रॉस यदि बोलूं तो आपका जो XL है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। बट यदि मैं XC की बात करूं तो XC में जस्ट अपोजिट हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/F। XC की बात करूं तो XC का क्या होगा सर, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F, दिख रहा है आपको फॉर्मूला क्या था, 1/2 pi FC, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो XC का ग्राफ क्या बनेगा सर, XC का ग्राफ हाइपरबोला होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये किसका ग्राफ है सर, XC का, और XL किसके प्रोपोर्शनल है सर, फ्रिक्वेंसी के, मतलब ग्राफ आपका लीनियर आने वाला है। मतलब ये ग्राफ किसका है सर, XL का है। क्यों है, क्योंकि सर ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर फ्रिक्वेंसी के। तो ये ग्राफ मैंने खींच दिया, जैसे ही अब ये ग्राफ आता है जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको मिल रहा है, ये है आपका FR, ये क्या है, ये आपका FR है। FR मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और इस पर क्या होगा सर, इस पर आपका जिस पॉइंट पर ही मिलेगा वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सर XL = XC। बस इतना ध्यान रखना है आपको, जब आपका XL और XC को आप दोनों ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा XL = XC होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये XC होगा, XC > XL होगा या XL > XC होगा, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे XC > XL कैसे डिसाइड करेंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। देखिएगा इस पोर्शन में, जैसे ही इफ द वैल्यू ऑफ द XC > XL, यदि वैल्यू इसका XC का बड़ा होगा तो ये ग्राफ यहाँ, ये आपका जो कंडीशन है वो यहाँ लाई करेगा, और XL बड़ा होगा तो ये कंडीशन यहाँ लाई करेगा, बस दैट्स इट। इतना याद रखिएगा, सर्किट का नेचर वैसे ही होगा, यदि आपका XL बड़ा है तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा, लैगिंग नेचर होगा, और वैसे ही यदि आपका सर्किट XC बड़ा है, आपका XC बड़ा है तो XC होगा तो सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा या फिर लीडिंग कंडीशन में होगा। बस यही है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से आपको, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको फटाफट आपको रेजोनेंस कर्व भी पढ़ाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से।